आज की वीडियो से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है दरअसल जब भी किसी यूट्यूबर की या ब्लॉगर की पोल खोली जाती है या ये कहे कि उनकी गलत साइड दिखाई जाती है तो उनको पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और अगर उनकी तारीफ करी जाए कुछ अच्छी चीज़ दिखाए तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि आप तो चापलूसी कर करिए तो भाई हम करें तो क्या करें अब हमारा चैनल ही इस टाइप का है तो अब उसमें हमारी क्या गलती चलिए अभी हम बात करने जा रहे हैं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम और उनके पतिदेव के बारे में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम अपनी ओवर एक्टिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है कि भाई वो ओवर रिएक्ट करती है ओवर एक्टिंग करती है ये सब चीजें हालांकि पहले दीपिका को भर भर कर सपोर्ट मिलता था लेकिन जब से उनकी ओवर एक्टिंग बढ़ी है तब से उनका सपोर्ट भी कम हो गया है लेकिन अभी जो है वो दीपिका ने कर दिया है कांड दरअसल दीपिका और शोएब ने अभी कुछ टाइम पहले से काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है कि भाई इन्होंने नया फ्लैट खरीदा है नया फ्लैट ख़रीदा है जो इनके पुराना फ्लैट था उसके बराबर में ही इन्होंने नया फ्लैट खरीद लिया और अब उसको रिनोवेट करवा के पूरे को एक करवा दिया गया है उसमें होम टूर वगैरह इनको करवाना था कुछ इन्होंने करवाया भी था लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे कि भाई पूरा कब हो और हम तब जाके लोगों को दिखाएं और इस पर कंटेंट क्रिएट करें चलिए कोई बुरी बात नहीं है पर इस पे अभी दीपिका भड़क गई है अपने डिजाइनर पर दरअसल दीपिका ने कुछ बातें शेयर की है जो कि उनके व्लॉग में आप देख सकते हैं और ये भी कहा है कि जब शोएब आएंगे तो हम मिलके बताएंगे कि सारी बातें क्या हुई है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम कह का कहना यह है कि उनको अपना डिज़ाइन पसंद नहीं आया उनके जो डिज़ाइनर हैं उन्होंने गड़बड़ कर दी ये है वो है इंटीरियर अब हमें दोबारे से करवाना पड़ेगा रिनोवेट करवाना पड़ेगा दूसरा दोबारा से पूरा घर मतलब अभी तो पूरा डिज़ाइन हुआ है और दोबारा से करवाना पड़ेगा तो यह होता है कि भाई पैसा आने का जब फालतू पैसे इंसान पे आने लगता है तो यह होता है उसका नुकसान खैर अब आपको बताती मैं कि दीपिका आखिर अपने डिजाइन पर इतना ज्यादा क्यों भड़की असली रीजन ये नहीं है कि दीपिका ने जो घर रिनोवेट करवाया है जो डिजाइन करवाया है वो उन्हें पसंद नहीं आया दीपिका ने अपनी पहली वीडियो में उसकी भर भर के तारीफ की और डिज़ाइनर की भी भर भर के तारीफ की थी दीपिका को यह आदत है हर एक चीज में अपनी चलाने की जैसे शबा की शादी में भी उसने सब चीज अपनी 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 करवाई है हालांकि वहां लोगों को ड्रेस पसंद नहीं आई पर दीपिका ने अपनी गलती कभी नहीं मानी कि हाँ ठीक है बट जो भी डिजाइनर कर रहा था वो सब चीजें दीपिका की परमिशन से हुई थी दीपिका को दिखा दिखा कर हो रही थी लेकिन अचानक से दीपिका को वो सब चीजें पसंद नहीं आनी शुरू हो गई उसका रीजन ये है कि जो इनका डिजाइनर है उन्होंने इनके घर की जो वीडियोज है फोटोज है जितना भी वो काम कर रही है जो भी उनको काम करना है वो सारी फोटोज अपनी इंस्टाग्राम पर वो डालती रही शेयर करती रही जिससे दीपिका मैडम को हो गई प्रॉब्लम प्रॉब्लम अब दीपिका को प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि वो खुद एक ब्लॉगर है और अगर उनकी ही कोई कंटेंट आने वाली वीडियो जिसे पता था कि भाई इस पर अगर वो वीडियो डालेगी तो उनका जो है ट्रेंडिंग पे जाना ही जाना है अगर वो पहले से ही लीक हो जाए तो इस चीज़ से दीपिका मैम और सोहेब सर को प्रॉब्लम हो गई है और कर दिया उन्होंने ड्रामा क्रिएट अब ये ड्रामा क्रिएट होने वाला है लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ अगर कोई काम कर रहा है किसी का कोई काम है और आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप उसकी इतनी बुरी तरीके से बदनामी करने के पीछे लगी है जो उन्हें काम ही ना मिले तो इसमें कहाँ की इंसानियत सिर्फ इतना हम पूछना चाहेंगे बाकी उनकी वीडियो जल्दी आने वाली है आप देखिए